गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है आदित्य रेशा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और इस समय मैं हूँ दोसा के अंदर, और दोसा से हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम जी के लिए। और अभी चल के नहाते हैं और नहा के फिर सीधा निकलते हैं खाटू श्याम जी के लिए। और ये ऐसा कुछ होटल का रूम है जो हम लोगों को रामडेन 1500 रुपये का रूम दिया था मेरे को ये। तो वैसे 1500 के हिसाब से ये रूम बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। रूम मेरे को पसंद आया, रात को बढ़िया नींद आई। रूम भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही रूम है। बस ये बेड है हमारा और इधर वॉशरूम है। ठीक ठाक है। और ये इसके पीछे एक बड़ी सी बालकनी है और वो हमारी ट्रेवलर सामने खड़ी हुई है। मैं ग्वालियर से 5 बजे निकला था शाम को और दोसा पहुंचते पहुंचते रात को 1 बज गया था। हम लोग फुल मस्ती करते हुए यहाँ तक पहुँचे, फिर यहाँ के रुके और रुकने के बाद फिर अभी चल रहे हैं आगे की साइड में। चलिए तो फिर हम नहा लिया जाए और फिर निकलने की तैयारी भी तो करनी है। वो लोग भी नहा लिए होंगे अभी तक। लो जी, हम तो रेडी हो गए, अब बाकी के लोगों को जाकर देखते हैं वो लोग तैयार हैं तो फिर यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। हो गए सब लोग रेडी? अब और कोई तो नहीं रह गया? अभी सारा लगेज हमने डिग्गी में रख लिया है और यहाँ से अब खाली ब्रेकफास्ट करके और फिर यहाँ से निकलते हैं। कहा क्या कहूँ, मीटिंग फिटिंग में जा रहेगा। अभी कुछ देर पहले मैंने लोगों को फोटो शूट किया था, वही पिक्चर्स मैं यहाँ पे अभी देख रहा हूँ जब तक कि हमारा नाश्ता नहीं आ जाता। लो जी, ये आ गया हमारा नाश्ता जिसमें है आलू के पराठे, दही और अचार। सतरंगी समा है, हतरंगी फिजा है, क्यों है ना बोलना। सतरंगी समा है, हतरंगी फिजा है, क्यों है ना बोलना। लो जी, अभी हम पहुंच चुके हैं रिंगस, जहां से हमारे बाबा की पदयात्रा स्टार्ट होती है। यहां से लेके बाबा के दरबार तक पूरा 21 किलोमीटर का ट्रैक है जो कि यहां से सैलानी पैदल जाते हैं अपनी मनोकामना के अनुसार। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बाबा के दरबार, और बाबा के दरबार आते ही एक गजब का सुकून मिलता है जो कि आप यहाँ पे आके ही महसूस कर सकते हो। और हाँ, वीडियो में अलग से मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि अपना माइक मैं घर पे भूल के आ गया था, तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लेना, आगे से मैं कोई चीज़ नहीं भूलने वाला। इंटरनल माइक से मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश किया था बट मेरे से ज़्यादा ट्रैफिक का आवाज़ आ रहा था, इसलिए मुझे घर जाके वॉइस ओवर देना पड़ रहा है अभी। और इसी के साथ ही खाटू नगरी में एक काफ़ी सुंदर सा मार्केट लगता है जिसकी छोटी सी झलक मैं आपको दिखाता हूँ।
और इसी के साथ ही लाइन लगा के करते हैं बाबा के दर्शन। और मंदिर में फ़ोटो और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो फ़ोन को रखता हूँ अभी मैं अपने पॉकेट में। तो फिर मिलते हैं दर्शन करने के बाद। और अभी का सीन ऐसा है कि कुछ लोग तो गाड़ी में आके बैठ चुके हैं, बट कुछ लोग रास्ता भटक गए हैं, इसलिए अभी उन लोगों को गूगल मैप लोकेशन भेजी है, तो उसको देख के वो लोग पार्किंग तक आ जाएंगे। और इसी के साथ ही हमारे दर्शन तो ठीक से हो गए, और अभी हम एक बढ़िया सी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हम अपने लिए खाना बना सकें। और आज हमारा होटल पे खाने का कोई प्लान नहीं है, तो एक बढ़िया सी लोकेशन देख के हम अपना खाना खुद ही बनाने वाले हैं। सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह तो आई ना, छोटी उम्र पर बड़ी नजर है, मिल जाएंगे ये हम तुमसे, छुपा छुपाई नजर तो आई ना अब तो आ रहे। तो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं एक ढाबे पर जहां हमारा खाना बनेगा। यहाँ पे अभी सब्जी कटिंग चल रही है, और इसी के साथ ही हमारी दाल दूसरी साइड बॉयल हो रही है, और ये टिंकू भैया हमारे आटा लगा रहे हैं। जब तक दाल बॉयल हो रही है जब तक इन्होंने आटा लगा के रख दिया है भैया। तो फाइनली हमारा खाना बन के तैयार हो चुका है और टेबल पे लग चुका है, तो चलिए खाना खाया जाए। खाना खाते खाते ऑलमोस्ट हमें रात के 10 बज चुके हैं, और अभी भी निकलने की कोई संभावना नहीं है। करीबन 11 बजे तक हम लोग यहाँ से निकलेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने तो खाना खा लिया, अभी कुछ और लोग रह गए हैं जो कि हमें परस रहे थे, तो वो लोग खाना खा लेंगे, उसके बाद में हम लोग फिर होटल देखेंगे। अभी कुछ लोगों ने तो खाना खा लिया, और जो लोग रह गए हैं वो लोग अभी खाना खा रहे हैं, और ये वाले भैया हमारे खाना खा के आराम से गणाई ले रहे हैं, प्लस ये लोग खाना खा के यहाँ पे टहल रहे हैं। कहा जो कहा लटक रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, रात को हम लोग 2-7 किलोमीटर पहले ही रुक गए थे जहाँ पे हम लोगों ने खाना बनाया खाया, तो उसी में काफ़ी टाइम लग गया, तो लगभग हमें वहाँ पे 11 बज चुके थे, और 11 बजे हम लोग वहाँ से निकले, फिर आके दोसा में ही रुके हैं सेम होटल में। इसी होटल में हम लोग उधर से आते टाइम भी रुके थे। और इसी के साथ ही ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।